सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं पुष्पा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अहियापुर के दादल पुल के समीप दिनदहाड़े अंडा व्यवसाय से अपराधियों ने लूटे 4 लाख रुपए और बाइक। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी स्थित कबाड़ फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका बिशुनपुर चांद गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने युवक पर किया तेजाब से हमला। सोमवार को नाम वापसी के दिन मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से किसी प्रत्याशी ने नहीं लिया नामांकन वापस, 22 प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह। और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कटरा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा फेल, सभा में नहीं आए गडकरी। और अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 4 लाख रुपए और बाइक लूटकर फरार हो गए। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप सोमवार को दिन दहाड़े एक बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंडा व्यवसायी बड़ा जगन्नाथ ग्राम निवासी मोहम्मद इशरार आलम से हथियार के बल पर 4 लाख रुपए और उनकी बाइक लूटकर फरार हो गए। भागते समय अपराधियों की बाइक संतुलन खोकर इमली चौक के समीप बिजली के पोल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस स्थिति में अपराधी बाइक छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। लूट के शिकार अंडा व्यवसायी मोहम्मद इसरार ने बताया कि वे रुपए लेकर अपनी दुकान जा रहे थे, इसी क्रम में अपराधियों ने दादर पुल के समीप उन्हें लूट लिया। मोहम्मद इसरार आलम नाम है। अच्छा। हम जा रहे थे अपने दुकान से बैंक के लिए। दादर पुल पर 3 लड़का से मिल करके गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी को गिरा दिया। उस क्रम में पिस्टल निकाल कर करके बैग छीन लिया और गाड़ी लेकर चली। फिर आगे मान लीजिए, आगे क्या मान लो, लेकर तो चला। क्या चीज़ का पैसा था? अंडा का बिजनेस। कितना पैसा था? 3 लाख बिरानवे। क्या कुछ सामने आई है सीसीटीवी वगैरह में? कुछ अभी चल रहा है सर, गए हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने कहा कि संबंधित थाना पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना हुई है जिसमें 3 अपराधी ने मोटरसाइकिल सवार से पैसे की छीनताई की है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है, हम लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं और जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल था वो बरामद हो गया है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि जो अपराधी भाग रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, बाकी बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो फरार अपराधी है उनकी गिरफ्तारी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के नीलकंठ चौक के समीप नशे में गाड़ी चला रहे एक डॉक्टर की गाड़ी से ठोकर लगने से 2 लोग घायल हो गए। ब्रह्मपुरा थाना के नीलकंठ चौक एवं मेहदी हसन चौक के बीच कल देर रात शहर के एक डॉक्टर की कार ने सड़क किनारे कचरा लोड कर रही मालवाहक ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में मनियारी के मधौल निवासी किशुन देव सहनी व राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय दुकानदार ने दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। भैया गाड़ी साइड करके खड़े थे, वहां पर से ये धीरेन्द्र डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार का गाड़ी है, कार है ये, और ये मारे हैं, दारू फुल पी करके एक्सीडेंट किए हैं और स्थिति बहुत दयनीय है। कहाँ भैया कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे स्टैंड करके खड़े थे यहाँ पे। अच्छा, मतलब खड़ा गाड़ी में रखा हमारा, खड़ा गाड़ी में लगी है, पूरा पिए हुआ था। अरे जानकी के हरेंद्र कुमार डॉक्टर नाम है हरेंद्र कुमार। आगे आगे पुलिस क्या बोले? पुलिस का तो अभी हम बयान नहीं ले पाए। सोमवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र से 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए सोमवार को 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि मंगलवार 23 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। सोमवार को पारू के पूर्व वीडियो रत्नेश कुमार सहित 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव लड़ना है वैशाली से शुरू किया गया। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव लड़ने का? मेरा प्राइम एजेंडा है शोषण से मुक्ति, शोषण मुक्त विकसित वैशाली बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अधिकारी था
राजनेताओं का जो व्यवस्था है मैंने देखा है और उस पद को त्याग कर मैं राजनीति में आया हूँ, अपना नामांकन दाखिल किया हूँ और रिश्वतखोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के विकास के लिए क्या एजेंडा, क्या है मुख्य एजेंडा? मेरा एजेंडा है एट्रोसिटी एक्ट में बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्टिंग नहीं होगी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी स्थित कबाड़ फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग को लेकर घंटों अफरा तफरी मची रही। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी मोहल्ले में अचानक कचरे के दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले ली, जिस कारण पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन आग बढ़ती चली गई। इसके बाद मौके पर 3 दमकल की गाड़ी पहुंची। कई घंटों की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कचरे के दुकान के आसपास रहने वाले लोगों की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि आग के लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर DSP पहुंचे और आम लोगों को शांत कराया। नगर DSP ने बताया कि आग लगने की सूचना पर हम लोग पहुंचे हैं, सामान जला है लेकिन किसी की हताहत नहीं हुई है। मेहदी असल चौक एरिया का नाम है, हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम हमारी काम कर रही है, किसी के भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। यहाँ पे जो सामान रखे हुए थे वो जल गए हैं, बाकी जितने भी आदमी यहाँ पे सभी सुरक्षित हैं। सर वजह कुछ पता चल पाया है? नहीं, अभी हम लोग पता करेंगे, फायर ब्रिगेड वालों से भी बात करेंगे कि क्या कारण हो सकता है। वैसे यहाँ पे पुराना सामान रखा हुआ था जिसमें कवारी हम लोग बोल रहे हैं, तो संभवतः वहीं पे आग लगा है, इसी कारण से आग फैला है। क्योंकि यह रिहायशी इलाका है, लोगों ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया है, ससमय हम लोग को सूचित किया, फायर ब्रिगेड भी समय पे आ गई और लोगों की मदद से हम लोगों ने काबू पा लिया है। महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक के विरोध में सोमवार को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भागलपुर में काजल पर हुए एसिड हमले के विरोध में ABBP महिला इकाई ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर MDDM कॉलेज से पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान महिला इकाई ने दोषियों को फांसी दो के नारे के साथ प्रदर्शन भी किया। MDDM की छात्र संघ की अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से प्रत्येक दिन लड़कियों पर एसिड अटैक, छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, पूरे प्रदेश की महिलाएं डरी सहमी हुई हैं। कानून ऐसे लोगों को पकड़कर तुरंत फांसी की सजा दे। भागलपुर में जिस तरह से लड़की को मां के अपमान को अगवा करके लड़कियों पे तेजाब डाला जा रहा है, मानवता को संसार कर देने वाली घटना है। ये तेजाब सिर्फ बिहार के एक लड़की पे नहीं, पूरे महिलाओं के ऊपर है। बस यहाँ नवरात्रि के दिनों में महिलाओं की पूजा होती है। आखिर कब तक महिलाएं इस अत्याचार को सहती रहेंगी? आज हम लोग जब भी सुनते हैं कि आज उस लड़की पे ऐसे हुआ, हमेशा न्यूज में आते रहता है कि इधर छेड़खानी हो गया, लड़की को अगवा कर देगा। आखिर हम लोग कब तक, आप उन छात्राओं से पूछ सकते हैं जब ये न्यूज सुनते हैं तो उनके दिल पे क्या बीतता है? और जब ये बोला जाता है कि लड़की के ऊपर एसिड हुआ है तो उन लोग उनको लव जिहाद से या फिर अफेयर का नाम दे दिया जाता है। क्या हमेशा लड़की की गलती रहती है? नहीं ना, मैं ये समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या लड़कियों को कब तक इसको झेलना पड़ेगा? मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका बिशुनपुर चांद गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने एक युवक को तेजाब से हमला कर घायल कर दिया। मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका बिशुनपुर चांद गांव में सोमवार को पूर्व से चल रही जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने जगदीश राय के पुत्र विजय कुमार पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से हुई हमले में विजय कुमार के चेहरे का बाया हिस्सा पूरी तरह झुलस गया। आनन फानन में इलाज के लिए घायल युवक को SKMCH में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक ने बताया कि गांव का ही रंजीत पासवान और उसकी पत्नी कृष्णा देवी ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची मुशहरी थाना पुलिस ने विजय के बयान के आधार पर आरोपी रंजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। खेत के बारे में झगड़ा उगड़ा रहा, इसको ले गया पकड़ के, सुतल रहा था आ इसको ले के मुंह बांध दिया, मुंह बांध के आ बिलिंदर सिंह राजकुमार सिंह गया तो इसको रंजीत पासवान के जलानी कृष्णा देवी उठा के गैलन,
आ दिया घर वाला के से सो उजलो तो बिलिंदर सिंह रहा तो उसको पढ़ा इसको पढ़ गया बहुत एक आदमी घायल है एक है दो और घायल है हाँ तो उसको तो लुंगी पर पड़ा तो उसको जड़ उड़ के है इसको इसको ले ले गया इसको लेके डराम रहा लेके रंजीत पासवान के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9 फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा
ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आम गोला, ओरियंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। एक बार फिर आ गया है चुनाव का मौसम, 5 साल बाद फिर आएंगे वोट मांगने नेताजी। ऐसे में क्या आप मांगेंगे पिछले 5 सालों का हिसाब? अपने नेता से आप पूछेंगे कि बिजली इस गांव में आई क्यों नहीं? आपकी सुरक्षा का नेताजी ने रखा है ख्याल? किस दल ने लड़ी आपके हक की लड़ाई? यही समय है आपके सवालों का, और यही है वो सवाल जो तय करेगा आपका सांसद होगा कौन। जल्द आ रहा है सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशु कुमार राज है, मुझे 95.49% आई लाया है JEE मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए। मेरा नाम निधि कुमारी है और JEE मेन 2019 में 94.6% आई लाया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE मेंस 2019 में 94.3% आई लाया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5 बीबीगंज मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरमेंट, क्वालिफाइड टीचर्स एंड वेल मैनेजमेंट। Entire school premises is well equipped
with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल बीबीगंज मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर वन प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन है और चार वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नाम वापसी के दिन मुजफ्फरपुर से किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। कुल 22 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में रह गए हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से सोमवार को किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। अब मुजफ्फरपुर क्षेत्र से कुल 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने पत्रकारों को बताया कि सोमवार को सभी 22 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। जिला अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र से कुल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। जांच और छटनी के क्रम में 15 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चा रद्द कर दिया गया। अब चुनाव मैदान में 22 प्रत्याशी रह गए हैं। पूर्व से प्रचारित कार्यक्रम के अनुसार 10 अप्रैल से नामांकन प्राप्त किए गए एवं 18 तारीख को अंतिम तिथि तक हम लोगों ने नामांकन कुल 37 नामांकन प्राप्त और 20 तारीख को 20 अप्रैल को जो समीक्षा की गई उसमें 22 अभ्यर्थियों को विधिमान्य तरीके से सही पाया गया। आज 22 तारीख को अंतिम तिथि थी जब कोई भी कैंडिडेट अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकते थे, लेकिन किन्हीं भी अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। तो इस प्रकार अंतिम रूप से कुल 22 अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर 15 संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव के प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं। उन सभी को उनका प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया गया औपबंधिक रूप से सीईओ बिहार ऑफिस से, उसकी ऑफिशियल पुष्टि हो जाने के उपरांत उन्हें आधिकारिक रूप से वो प्रतीक आवंटित कर दिया जाएगा। इस चुनाव में जो 22 प्रत्याशी हैं उसमें से 2 प्रत्याशी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हैं, 16 प्रत्याशी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं एवं 4 प्रत्याशी निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियाँ जो किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए की जानी होती है वो की जा चुकी है। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों को हमने सेंसिटिविटी वाइज अरेंज करते हुए वहाँ पर आवश्यक व्यवस्था कर दी। हम लोग SSTs FSTs के माध्यम से व्यय का अनुश्रवण कर रहे हैं। सामान्य प्रेक्षक महोदय, पुलिस प्रेक्षक महोदय एवं व्यय प्रेक्षक जिले में आ चुके हैं एवं उनके द्वारा सतत पर्यवेक्षण पूरी गतिविधियों का किया जा रहा है। स्वीप के माध्यम से लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार अधिक से अधिक मतदाताओं के मतदान की तिथि जो 6 महीने निर्धारित की गई है बूथ तक लेके आए और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपेक्षा है कि जिस प्रकार की गतिविधियां इस बार की गई एक बड़ी संख्या में इसका इजाफा होगा। 60% औसत मतदान इस जिले का रहा है। कटरा प्रखंड के यजुआर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा फेल हो गई। जनता नेता के आने का इंतजार करती ही रह गई।
सोमवार को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड के यजुआर हाई स्कूल में केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री की चुनावी आम सभा में जुटे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में तब घोर निराशा छा गई जब घंटों इंतजार के बाद भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभा में पहुंचे ही नहीं। आखिरकार मंचासीन भाजपा नेताओं ने स्वयं सभा में उपस्थित जनता से नितिन गडकरी के सभा में नहीं आने के लिए माफी मांगते हुए स्वयं सभाओं को संबोधित किया। नीतीश्वर महाविद्यालय में धर्म और संस्कृति भारतीय अवधारणा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। नीतीश्वर महाविद्यालय में संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र के संयुक्त तत्वावधान में धर्म और संस्कृति भारतीय अवधारणा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति के निर्माण एवं इसकी जीवंतता में भी धर्म की आधारभूत भूमिका है। संस्कृति के संरक्षण का अर्थ है धर्म। आज है वो धर्म और संस्कृति भारतीय अवधारणा, इस विषय पर एक सेमिनार यहाँ रखा गया है कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति का क्या अभिप्राय है, इस विषय पर भी सेमिनार रखा गया है। समाज में यह बात फैले कि धर्म और संस्कृति क्या है, सेमिनार किया जा रहा है। पुरानी बाजार स्थित मारवाड़ी मध्य विद्यालय में पृथ्वी दिवस पर स्कूली बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुरानी बाजार स्थित राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय में एक प्रयास मंच द्वारा पृथ्वी दिवस पर बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक पृथ्वी बचाओ थीम पर तस्वीर बनाई। आयोजक ने बताया कि हर वर्ष सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच यह प्रतियोगिता की जाती है ताकि बच्चों में पृथ्वी को बचाने की भावना जागृत हो सके। आज राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय के बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें मेन बच्चों का यह जागरूकता किया गया कि अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं और धरती को बचाएं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित हो रहे क्रिकेट मैच में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर की अंडर 17 T20 क्रिकेट टीम रवाना हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फ्रेंडशिप मैच में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर जिला के अंडर 70 T20 टीम रवाना हो गई। 22 तथा 23 अप्रैल को होने वाले इस टूर्नामेंट में गोरखपुर की टीम तथा मुजफ्फरपुर की टीम आमने सामने होंगी। खिलाड़ियों ने कहा कि हम इस टूर्नामेंट को हर हाल में जीत कर आएंगे। तीन मैचों का सीरीज का है, यहाँ से अंडर 17 का T20 क्रिकेट टीम जा रही है वहाँ पे तीन मैचों का सीरीज खेलने। हमें उम्मीद है कि वहाँ पे जीतेंगे और मुजफ्फरपुरवासियों को अच्छे स्वागत देंगे। क्या लगता है आपकी टीम कितनी बैलेंस है और क्या उम्मीद कर सकते हैं मुजफ्फरपुर के शहरवासी कि बैटिंग बॉलिंग के मामले में कि क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में और उसका कैसा प्रदर्शन रहेगा उत्तर प्रदेश में? हमारी टीम बहुत ही बैलेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं जो अच्छे प्रदर्शन करके दे सकते हैं टीम के लिए। इसकी उम्मीद है कि हम अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ। तो मुजफ्फरपुर वासियों को क्या आप जीत की सौगात देने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर जा रहे हैं, वहाँ पे तीन मैचों की सीरीज है 2020 टीम जो हम लोग की अंडर 17 टीम है। क्या टीम से क्या उम्मीद है? टीम से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे जीतें। टीम को में बैलेंसिंग है बहुत ही अच्छी, बॉलिंग बैटिंग दोनों हैं अच्छे। जिले का नाम रोशन करेंगे वहाँ पे जाकर, मुजफ्फरपुर वासियों को अच्छी सौगात देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।